और इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें गोरखपुर एसएसपी पर उनकी ही पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया हुआ है। तो अहम खबर है, जहां घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर आपको बता दें कि गोरखपुर में तैनात एसएसपी प्रदीप कुमार यादव की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की है और डीजीपी ने गोरखपुर आईजी अमिताभ यश से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर एसएसपी प्रदीप कुमार यादव जो कि गोरखपुर में तैनात हैं, इनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और डीजीपी से एसएसपी की पत्नी ने मुलाकात की, शिकायत की और डीजीपी ने गोरखपुर के आईजी अमिताभ यश से जांच की रिपोर्ट मांगी है। घरेलू हिंसा लगातार देश में बढ़ती जा रही है और अब इसकी आज प्रशासनिक अमले तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि गोरखपुर में तैनात एसएसपी प्रदीप कुमार यादव की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और इसी सिलसिले में वो डीजीपी से भी उन्होंने मुलाकात की, अपनी शिकायत बताई और डीजीपी ने गोरखपुर आईजी अमिताभ यश से जांच की रिपोर्ट मांगी है। तो पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हुए हैं एसएसपी पर, गोरखपुर के एसएसपी हैं प्रदीप कुमार यादव, जिनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की, शिकायत भी की और डीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोरखपुर आईजी अमिताभ यश से जांच की रिपोर्ट मांगी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता दें, इस पूरे मामले को देखते हुए डीजीपी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो गोरखपुर में तैनात एसएसपी पर आरोप है और ये आरोप उन्हीं की पत्नी ने उन पर लगाए हुए हैं घरेलू हिंसा के आरोप।